अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी उर्दू टीचर क्लास सेवन्थ की। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं साबिके और लाहके, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आपको पता है प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। उर्दू में उन्हीं को कहते हैं साबिके और लाहके। पहले हम ये इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी कि साबिके और लाहके क्या हैं। साबिके और लाहके दोनों ऐसे मुरकब अल्फाज हैं जो लफ्ज के साथ कुछ इजाफी हिस्सा जोड़कर बनाए जाते हैं। यानी हम किसी लफ्ज को या पहले जोड़ देते हैं या लास्ट में जोड़ देते हैं, आखिर में जोड़ देते हैं, उन्हीं को हम साबिक के और लाहक के कहते हैं। अगर ये इजाफी हिस्सा जो हमने उसको जोड़ा लफ्ज से पहले जोड़ा जाए तो उससे साबिका, यानी इंग्लिश में उससे प्रीफिक्स कहते हैं। अगर हम पहले उसको जोड़ा जाए और अगर ये इजाफी हिस्सा लफ्ज के पैर जोड़ा जाए तो उससे लाहका यानी सुफिक्स कहते हैं। जो हिस्सा जो लफ्ज हम पहले जोड़ा जाए, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे हम सफर, सफर एक ही लफ्ज है, जब हम उसको हम जोड़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, हम सफर, उसको हम कहेंगे साबिका। हम पहले हमने उसको जोड़ा है, जिस तरह हम कहते हैं हम दर्द, दर्द हम दर्द, ख्याल हम ख्याल, उसी को हम कहेंगे साबिका। लहका हम किसको कहते हैं, लहका हम इसको कहते हैं अगर ये इजाफा लफ्ज के बाद जोड़ा जाए तो उससे लहका कहते हैं। अगर हम कहेंगे घड़ी, वॉच जिसको हम कहेंगे कहते हैं घड़ी, घड़ी साज, घड़ी साज किसको कहते हैं, जो घड़ियां संभालते हैं, जो घड़ियां शेरते हैं। कलम, कलम साज, इसी तरह अमानतदार, दुकानदार, खामदार, हकदार, अक्लमंद, खूबसूरत, सब्जाजार, मरगुजार, रियासतबाज, हवाबाज, उनको हम कहेंगे क्या कहेंगे लाहके। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि लाहके और साबके में क्या फर्क है। साबके में हम लफ्ज़ को पहले कोई लफ्ज़ जोड़ा जाता है और लाहके में आखिर में किसी लफ्ज़ को कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाता है, उसी को हम कहेंगे लाहके। जिस तरह हम कहेंगे बा अदब, बा होश, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं साबिका। बा अदब, बा होश, बा हिम्मत, बा विकार, कलमकार, नालायक, नादान, नाहक। उसी तरह मैं लाहके की और दो पांच मिसालें दूंगी, मददगार, जुल्मगार, गुनाहगार, सवाबगार, कुतुब फरोश, मेवा फरोश। कुतुब फरोश हम किसको कहते हैं, जो किताबें बेचता है। मेवा फरोश किसको कहते हैं, जो मेवा बेचता है। मेवा एक ही लफ्ज है, कुतुब एक ही लफ्ज है, जब हमने उससे जोड़ा फरोश, बेचने वाला, दूध फरोश, तो उसको हम कहेंगे ये लाहके हैं। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज़।